रेतीलो क्षेत्र है बैंक मायना शायद आज कुछ साल पहले आप मानसक नरमय घी कल्पना ही क्योंकि आज भी कुछ क्षेत्र या लगभग क्षेत्र आप का ज्यादातर क्षेत्र है जिके अंदर आकाड़ सी है पड़े और अठे है जो धोड़ो सोनो आपा कह काम वो अठाह के किसान ले रहे हैं और जानकारी अंग कितना सालू है जो क्योंकि रेतीली जमीन ही इन्हें क्या कन्वर्ट करी है या क्या कन्वर्ट हुई है क्या इन्हें फायदो मिलियो है कदू खेती कर रहे हैं और क्योंकि इसी आंगी खेती फिलहाल चल रही है क्योंकि अपमानस का क्षेत्र के अंदर नवाचार है और ये बेल्ट की यदि बात कर लिया तो लगभग हनुमानगढ़ वो क्षेत्र है जो अठह लगना लाग जावे है

आ नरमेंगी तो खेती मानो थे छः सात साल कर मूंगफली की तो लमसम दो हजार बीस बाईस वर्ष पहले ट्यूबवेल कोई कोई आ जो को आपने दो हजार में खरीद है तो यही गांव में पहले दस साल अब कोई खेती नहीं को नहीं बुजुर्ग लोग हाँ भाई पारंपरिक खेती करता मूँग मोठ बाजरी, आ, बाजरी। आ, तो शायद बेल्ट में फिर बिजली कौन जाता होगा ना बिजी जे मोठ भी बिजा अब जहाँ वो क्षेत्र जी एक हो तो दस बीघा ऊपर को ये गर्मी गायन पानी के थारे ज्यादा आवश्यकता पड़े अब सरसियों फुलांग रुत में देखे पूरे सरसियों सरसियों जिसिए नरमु जम जी मान लो को किसान है बीस भी बीघा में कर सके दस में कर सके पंद्रह में कर सके आ, मतलब लगभग खेत थे आदि पारंपरिक पुरानी टाइप की भाई खेती करा जिया मोठ और बाजरो आई जरूर जरूर बीजा खेती आई बीजा अजय पानी है जिसको एक तो ट्यूबवेल वगैरह वो है या क्या है था ट्यूबवेल को या कुछ बेल्ट है जो नेरी भी बेल्ट है तो अठे है के क्षेत्र में ना नेरी, नेरी, नेरी बेल्ट अठे कोनी सरदार सर तहसील में नेरी बेल्ट है ही कौनी। सो हाँ. को ही बेल्ट है ट्यूबवेल में कितो थारे मीठो पानी आवे कितनी दूरी पर कितनी गहराई पर जागे है जी गहराई महाराज यहाँ अलग अलग गाँव अलग अलग गहराई है लेकिन अठे ज्यादा कोनी दो सौ ढाई सौ पानी शुरू हो जाए और ग्यारह चार सौ तक जाए क्षेत्र साठ सत्तर किलोमीटर पर पानी निकलने लग जाए तो जिया बारह जिया तीन किलोमीटर बाद में पानी आएगा नीजो मेगा खारो है जो मेगा थे तो प्रियां -प्रियां इन चल आगा आप तो बेल्ट सारो ही आगे मीठा पानी करा ये मान लो कमो कम बीस पच्चीस किलोमीटर तय था मेरे मतलब हनुमान गटगा जी का लोग और हनुमान गढ़ में बीच के मैंने खा क्षेत्र है, अच्छे, अच्छे। बेल्ट पड़ी बाद है। बीचार बीच में बेल्ट है अच्छा फसल की बात कर लिया तो लगभग कितनी फायदेमंद है किसान के लिए रही है पारंपरिक खेती कर रहे बहन छोड़ के बात तो थे ये मान लियो टूबे पहले तो तुम्हें की कौन लेता है जिया अब यह है क्या जी अब नर्मो जो चार या पाँच कुंटल बिगे हो गए तो नौ साढ़े नौ हज़ार का तो भाव है तो चालीस पैंतालीस हज़ार की एक बीघे की इनकम है यार पंद्रह हज़ार रुपया एक बीघे पर खर्च भी कर दें तो अभी जाए मतलब पहली ठीक है जो बूढ़िया कमा गया अपन और फायदे तो बड़ा फर्क आ गया काम भी कम करा यार फायदो भी हो गयो। भी गया अच्छा फिर एक महीने टेक्नोलॉजी भी यूज करोगी जहाँ आजकल ट्रैक्टरीकरण है मतलब हर चीज़ मशीनीकरण हो गया तो बहुत ही फायदा हो गया मशीन नाला तो हो ही होगा हर आदमी कंट्रैक्टर साधन सर सा, हर घर में साधन मिलेगा पहले तो एक गांव में एक साधन हो जब मैं दो हजार में ट्यूबवेल चालू कर तीन या चार या जो फुहरों लिकरों लंता पाइप लंता तो सिकरों लियाता अब तो गम ही अब कुटने साढ़ा सर फैक्ट्री लाग रही है तो बेच के आव तो हट बेच आव है फुहारा पाइप अठे भी मिल जाए गमे भी मिल जाए सरदार शहर भी मिल जाए

खाली टिब्बा टिब्बा आज पच्चीस साल पहले अगर कोई आगे देख तो तो यहाँ देख आपको जीवन अपन क्या करे आ बहुत ही खस्ता लेती तो अब आ... तो यह मानो अमूमन मारे लगभग आदमी कोई पाँच परसेंट ही आदमी कोई पिछड़ो रह गया तो अलग बात है और आप खुद की खेती तो कर ही सके

ਆਬੇ ਮੈਂ ਜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਦਾਨ ਵਗੈਰੇ ਔਰ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜੋ ਫਰੀ ਗੋ ਯਾ ਅੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰੇ ਥੋੜੋ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੈ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਇਆ ਮਾ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀਆ ਰਹਿ ਮਣਾ ਠੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੋ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆ ਹੈ ਬਨ ਕਰਾਇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਣੇ तो एक किसान मांस का डिमांड करते हैं कोलर आदि उपलब्धता करवाई जावे तो थोड़ा और फायदो है जी खेती के मायने मिल जावे बाकी जी बताइए कि कई दशक पहली करीब दो दशक पहली अपना मांसक किसान है जी की कि कल्पना अठे कोनी करी के अठे जी का मैं सफ़ेद सोनो कह रही हूँ वो भी जा सके है बिरानी खेती होया करती है आज किसान है जी का वो भी फायदो है बोले रहे है तो नवाचार है और प्रकृति की देन है कि आदो चूरू और के बता रहे हैं कि बीस बीस किलोमीटर पर बीच में खारो पानी है मीठो पानी तो आप मान कहाँ चूरू में जरूर आ नई चीज़ है जी की मैंने देखने मिली आज की कवरेज पर जरूर फीडबैक बताइए कार्यक्रम किए लगे जय चूरू जय जै राजस्थान जय हिंद